नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपको बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, कुछ कलेक्शन की है, कुछ सेट का, कुछ पैकेट्स का वही दिखाएगा आपको आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे 20 रुपये का सिग्नेचर सेट है ये। तो होता है क्या कि बहुत सारे जो कलेक्टर्स हैं पूरे बंडल्स का कलेक्शन नहीं करवाते, चाहते कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर का ही एक एक नोट मिल जाए कलेक्शन के लिए, जिससे कि उनका सेट जो है कलेक्शन पूरा हो जाए। तो ये वही सेट है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ। तो 20 रुपये का ये सेट आप देख सकते हैं, उसके एंडिंग है 2 डिजिट सेम है। ऐसे इसे 72 हो तो एंडिंग के सारे डिजिट जो सेम रहेंगे, 72 72 72 रहेगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इशू आ गया, फोर्थ इशू, फिफ्थ इशू, सिक्स्थ इशू, सेवन्थ इशू, एट्थ इशू, नाइन्थ इशू, टेंथ इशू, 11 12 13 14 15 16 सारे नोट रहेगा इसमें। जितने भी अभी तक नोट डिफरेंट सेट के आए हैं, ये सिग्नेचर सेट है दोस्तों, सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें परफिक्स रहते हैं, डिफरेंट इनसेट रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं सारे नंबर सेम है, एंडिंग 272 के, उसके भी 72 देख सकते हैं आप, सारे जितने भी एंडिंग है सब 72 नंबर के है। ये फुल कंप्लीट सिग्नेचर सेट है 2024 तक। तो अगर आपको ये सेट चाहिए तो बढ़िया सेट कलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, ये सेट आपको मिल जाएगा 9100 रुपीज़ में। तो अच्छा सेट कलेक्शन के लिए रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है आपको, ये 9100 रुपीज़ में सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटरमन का 1988 का, ये मिल जाएगा 1900 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटरमन का 1986 का 1900 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट विमल चरण का 1900 रुपये में, 1990 का पैकेट है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट एस वेंकटरमन का, ये भी मिल जाएगा 1900 रुपये में। उसके भी 1 रुपये का पैकेट है प्रताप किशन कोल का, ये भी मिल जाएगा 1900 रुपये में आपको, 1984 का पैकेट है ये। उसके भी 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटरमन का 1987 का, ये भी मिल जाएगा 1900 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटरमन का 1988 का 1900 रुपये में। उसका ये भी 1 रुपये का पैकेट है प्रताप किशन कोल का 1984 का 1900 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट विमल चरण का 1990 का 1900 रुपये में। उसके बाद 1 रुपये का पैकेट गोपी के अरोड़ा का, इसमें डबलिंग नंबर भी रहेगा, एंडिंग 87 भी रहेगा, 2170 रुपये में, 1989 का पैकेट है। ये भी 1 रुपये का पैकेट एस वेंट एंडिंग 87 वाला, ये मिलेगा 2130 रुपये में, 1986 का पैकेट है। ये भी 1 रुपये का पैकेट एस वेंट एंडिंग 87 का, 2130 रुपये में, 1986 का पैकेट है। उसे भी 1 रुपये पैकेट एंडिंग 87 थी एस वेंकटरमन 1987 का, 2130 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट एंडिंग 87 थी का एस वेंकटरमन का 1985 का, मिलेगा 2130 रुपये में। उसे भी 1 रुपये का पैकेट है विमल जलन का एंडिंग 87 थी, ये मिलेगा 2130 रुपये में, 1990 का पैकेट है। अच्छे पैकेट कलेक्शन है, रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, आप ले सकते हैं। उसके बाद उसे 5 रुपये का डायमंड इशू नोट आया हमारे पर, पीसी पटेल चले सिग्नेचर का, डियर का फोटो देख सकते हैं आप। तो बढ़िया नोट कलेक्शन के लिए आपको मिल जाएगी, बहुत रीजनेबल प्राइस है। मार्केट में से भी लेना जाए तो 300 रुपीज़ है नोट का वैल्यू, आपको मिल जाएगा सिर्फ 285 रुपीज़ में। तो अच्छे नोट कलेक्शन के लिए रीजनेबल प्राइस पर डायमंड इशू मिल नहीं रहे इस टाइम पर, मार्केट तेज़ हो गई है डायमंड इशू नोट की, 5 रुपये के नोट की। तो अच्छे नोट यूएनसी कंडीशन में मिल रहे हैं आपको, ये आपको एक नोट मिल जाएगा 285 रुपीज़ में। उसके दोस्तों 10 रुपये का पैकेट है मनमोहन सिंह का, ये मिलेगा 6400 रुपीज़ में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का कलेक्शन पसंद आया, कलेक्शन पसंद आया वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में बताएं, हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।